हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कनेडियन टॉक्स में। और एक बार फिर से हम ताजा अपडेट लेकर आपके सामने आ गए हैं। आज हम तीन बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वैक्सीनेशन, नंबर दो डग फोर्ड का बयान, और नंबर तीन इंडिया और कनाडा के कोविड के क्या हालात चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब जानते हैं आजकल के करंट सिनेरियो में, लेकिन कनाडा जाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा ली है, मैं सीधी तरह कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपकी राह में रोड़ा बन सकता है अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि वैक्सीन कौन सी लगवाएं, कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन। अगर कनाडा की बात करें तो ऑथोराइज, जो जिनको उन्होंने कहा है कि कनाडा सरकार की तरफ से ऑथोराइज है, वो है कोविशील्ड। हालांकि जिन्होंने कोवैक्सीन लगवा ली है चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाई जोर ज्यादा दें कोविशील्ड पर, क्योंकि कोविशील्ड ही उन्होंने ऑथोराइज मानी है। तो वैक्सीनेशन जरूरी हो गई है, हालांकि दोनों डोज जरूरी है ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए। और नंबर दो पर अब हम बात करेंगे डग फोर्ड के बयान के, जो कि लगातार बयान देते थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन किया जाए। अब उनका बयान अच्छा आना शुरू हो गया है। उनका जो बयान है एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उनका बयान आया है, डग फोर्ड सेज ओंटारियो कुड ओपन अप वेरी वेरी सून। जी हाँ, ये पॉजिटिव न्यूज इनके मुंह से सुनने में मजा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेरी वेरी सून ओंटारियो ओपन अप एंड समर कैंपस कैन गो अहेड। जी हाँ, जो समर इनटेक जिसको कहा जाता है, शायद वो अब शुरू भी हो जाए ऑन कैंपस हम कहेंगे। तो तीसरी अपडेट है कि इंडिया का क्या हालात है कोरोना के बारे में और कनाडा के क्या हालात है। अगर हम बात करें इंडिया की, हालांकि अभी तक ज्यादा केस इंडिया में अपडेट हुए नहीं है, रात देरी से होते हैं, लेकिन अब तक 2 लाख केस आए हैं हिंदुस्तान में। हालांकि अब लगता नहीं कि 2,81,000 जो कल केस आए थे वहां तक आंकड़ा पहुंचेगा, ये आंकड़ा पीछे ही रह जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। और नंबर दो अगर हम बात करें कनाडा के केस, जी हाँ, कनाडा के केस अभी अभी अपडेट हुए हैं, ये बहुत खुशी देगी आपको भी, जो मैं आपको खबर देने लगा हूँ। ओंटारियो हैज 2,170। जी हाँ, कल से भी 29 केस कम आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। केसेस इट्स लोएस्ट टोटल इन 6 डेज। जी हाँ, उन्होंने लिख दिया कि इट्स लोएस्ट टोटल इन 6 डेज। ओवरऑल द ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स की तरफ शुरू हो गया है। द न्यू 7 एवरेज इज 2351। अ वीक अगो इट वॉज 3017। जब 3,000 केस थे तब चिंता के विषय थे, लेकिन अब 2,170 केस ही आए हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें ओंटारियो के अलावा, अल्बर्टा में भी केस कम हुए हैं, मैनिटोबा में भी कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ओंटारियो की हम बात करेंगे, ओंटारियो में ज्यादा हालात बदतर थे। और एक मुझे क्वेश्चन बड़ी देर से आ रहा था, सुबह से आ चुका है, कि बायोमेट्रिक के बारे में बताइए। थोड़ा बायोमेट्रिक के बारे में हम पूरा प्रोसेस बताने को तैयार है, लेकिन बायोमेट्रिक खुले तो सही, अभी बायोमेट्रिक खुलने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो लोगों के मैसेज आ रहे थे कि VFS हमें डेट देगा या नहीं, हम डेट लेंगे, तो मैं बता दूं कि VFS डेट नहीं देगा। आपको खुद वेब फॉर्म भरना होगा, उस पे कंप्लीट के बाद आपको खुद मेल आ जाएगी कि आपकी कब की अपॉइंटमेंट है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब अब कर नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ, सिर्फ वीडियोस को लाइक करते हैं, देख कर चले जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कनेडियन टॉक्स को, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत बड़ी बड़ी अपडेट मिलेगी।